बरेली मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हुए सिर शर्मनाक कृत्य का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दोषियों को सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष मुजम्मिल रजा खां एडवोकेट ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना का एक वीडियो देश के समक्ष आया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ का जत्था सड़क पर दो महिलाओं को नग्न अवस्था में खींचते हुए कहीं ले जा रहा है। वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है कि कुछ व्यक्ति महिलाओं के निजी अंगों पर हमला कर रहे हैं, वहीं एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घिनौनी घटना कारित हुई है, जिसमें पूरे देश को शर्मसार किया है। इस वीडियो के आने के बाद से देश भर के लोगों में रोष आक्रोश है। साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री के द्वारा इस घटना के संबंध में कोई ठोस कदम ना उठाना संदेह पैदा करता है। क्या नाम भैया आपको? मुजम्मिल रजा खान एडवोकेट, जिला जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली। मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, उस संबंध में हमारी पार्टी ने प्रांतीय आह्वान पर समस्त उत्तर प्रदेश में हर जिले के अंदर ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को दिया है। वहाँ पर महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ में बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ की सरकार जो है नाकाम है। वहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, पूरी इंसानियत का वहाँ पर कत्ल हो रहा है। वहाँ पर ना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई अपना बयान दे रहे हैं, ना वहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई सार्वजनिक अपना बयान करा है। वहाँ पर लोगों के साथ में बहुत बुरा और बहुत बदसलूक हो रहा है, जो इंसानियत को पूरा शर्मसार करना है, और हिंदुस्तान भी पूरी दुनिया की नज़र में शर्मसार होना पड़ रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।